गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हमारा भंडारदरा के अंदर दूसरा दिन है और आज हम एक्सप्लोर करने लगे हरिश्चंद्रगढ़। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। सबरे सबरे का टाइम है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। नूर भाई और सिद्दीक भाई पीछे बैठे, लाइक भाई इधर साइड में बैठ के गाने लगा रहे। और आज हम पूरे एक्सप्लोर करने लगे हरिश्चंद्रगढ़, और हरिश्चंद्रगढ़ से कोकनगढ़ा, और वहाँ के जो व्यू होने लगे बहुत ही ऑसम व्यू है और बहुत खूबसूरत व्यू आप लोग आज देखने को मिलने लगे। तो चलिए करते हैं एक्सप्लोर हरिश्चंद्रगढ़। अभी आप मैं दिखा दो, अभी रास्ते के व्यू जो आप देख सकते हैं, पहाड़ों के अंदर हम चढ़ रहे हैं और गाड़ी चलाने का जो मजा यहाँ पे आपको मिल रहा है, वो हमको बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर का अपने को ट्रैक करना है हरिश्चंद्रगढ़ जाने के लिए। और अभी हम यहाँ से ट्रैक हमारा चालू हो चुका है, ये देखिए, और कुछ इस तरीके से रास्ता है और हम यहाँ से ट्रैक शुरू कर चुके हैं और पूरा ट्रैक करके फिर हरिश्चंद्रगढ़ आपको एक्सप्लोर करा है। देखो कोकनगढ़ा भी एक्सप्लोर करा है। आज ब्लॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बारिश भी चालू है, इस तरीके से रास्ता है ऊपर जाने के लिए। और वाटरफॉल तो इतने देखने से देखेंगे, उधर से वाटरफॉल ही वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल है जो 2 स्टेप में 3 स्टेप में गिरता है। रास्ता देख सकते हैं आप किस तरीके का है, डेंजर। अभी ये झाड़ भी गिरने को आया यहाँ पे, घासलने वाला है। रास्ता तो बहुत खतरनाक लग रहा है मेरे को। जैसे कि गाइस, अभी 3 किलोमीटर का ट्रैक अभी स्टार्ट किया हमने और अभी थक गए। देखते हैं गाइस मजा कैसे रहने वाला है। अभी तो 3 किलोमीटर का, क्यों सिद्दीक भाई सुनो ना, कितने किलोमीटर का ट्रैक करना है अपने को? 3 किलोमीटर का ट्रैक करना है गाइस। और देखिए गाइस, सिद्दीक भाई फुल जोश में ट्रैक करने के लिए। अपन पूरा ट्रैक करेंगे हरिश्चंद्रगढ़ का, आपको तो हरिश्चंद्रगढ़ दिखा के रहेंगे हम। कुछ भी हो जाए, हमारी हालत तो इतने में टाइट हो गई, लेकिन हम चलेंगे। ऑल द जोश। बारिश लगातार हो रही है, बॉडी का टेम्परेचर कम ज्यादा मुश्किल है। अरे बैठ गए 2 विकेट गए तुम्हारे। सिद्दीक भाई फिर थक के बैठ गए। तो गाइस बहुत थक गया मैं, चलता हूं। नीचे का नजारा देखो गाइस, देख सकते हैं गाइस व्यू कितना ऑसम है, वहां से नजर आ रहा है। खतरनाक ट्रैक होने के पीछे देखेंगे। आवाज तो बहुत अच्छी आ रही है, देखते हैं। अभी ये देखिए गाइस, अभी हम कुछ टप्पा पार करके यहाँ तक आए और यहाँ से व्यू देखिए कैसे। और अभी अपने को जाना है कितने दूर तक है, मैं दिखा दो कितनी ऊंचाई तक अपने को जाना है। और अपने को इस पहाड़ के उस चोटाई वहाँ तक ऊपर तक जाना है। मेरा रास्ता ऐसे घूम फिर के वहाँ से जाता है। और जन्नत है, अभी अपन आधे तक ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से जो व्यू आ रहा है, ऑसम व्यू नजर आ रहा है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा जबरदस्त व्यू नजर आ रहा है। सिद्दीक भाई कैसा लग रहा है? बहुत भारी लग रहा है। बहुत जबरदस्त ट्रैक है। बारिश चालू होते साथ भी हमारे अंदर से पसीना निकल रहा है, इतना जबरदस्त ट्रैक है। आपको दिखा रहा हूँ, ऑसम व्यू नजर आ रहा है, बहुत खूबसूरत। बारिश चालू रही है। यहाँ से आगे से अपन उस वाटरफॉल को क्रॉस करके आगे जाने वाले हैं। और ये व्यू देखिए वैली का, इस तरीके से कितना खूबसूरत व्यू नजर आ रहा है बारिश चालू। चलिए अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे आपको व्यू दिखाने के लिए, करते आगे का ट्रैक कंटिन्यू। आप कंटिन्यू करें इस ब्लॉग को गाइस। आगे देखिए गाइस, ऊपर से वाटरफॉल बहुत तेज बारिश, ऊपर से बहुत तेज पानी गिर रहा था वाटरफॉल का। अभी अपन वाटरफॉल क्रॉस करें और यहाँ का व्यू देखिए गाइस, कितना ऑसम व्यू है गाइस, बहुत अलग नज़ारा है। ये एक्सपीरियंस आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ रिवर्स वाटरफॉल भी किस तरीके का। सच में सह्याद्री में सबसे ज़बरदस्त इन्जॉयमेंट होता है सह्याद्री में। मानसून में आइए आप भी हरिश्चंद्रगढ़, इन्जॉय करिए इस ट्रैक को। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। चलिए आगे आगे बहुत नज़र आ गया, मदद बहुत एक्सपेक्ट है। देखिए
असम युवा इसी नजारा यही व्यू देखने के लिए हम इतना बड़ा ट्रैक करके आए। देख सकते हैं इधर कितना जबरदस्त व्यू यहाँ से दिख रहा है। क्या बोल रहे जान ला रहे देखिएगा जो देखिए गाइस वाटरफॉल कितना व्यू है। ये पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ है, वो पहाड़ को हमको पार करना है अभी। और इतने ट्रैक में हमारे तो क्या, लेकिन ये व्यू का है ना गाइस, ऑसम व्यू है, ऑसम कुदरत का। सह्याद्री के अंदर घूमने का मजा अलग है। बरसात में एक छोटी रिवर हमको क्रॉस करना है और इस रिवर को क्रॉस करके फिर हम आगे जाने वाले अभी पहाड़ तक। रिवर क्रॉस करने के लिए यहाँ पे एक पुल बनाया है। इस रिवर के आगे जो रास्ता है जंगल से होते हुए रास्ता है और अभी हमें जंगल से ट्रैक करके आगे जाना है। चलिए दिखा दे आपको रास्ता किस तरीके का है। देखो भाई गाइस, ये हमारे मतीन भाई है श्री जी वाले। ये आ रहे हैं हमारे जाने माने। जैसे कि गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हरिश्चंद्रगढ़ के ऊपर और आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉक की वजह से पूरा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और आपने यहाँ पे जाने के लिए तो भाई कैसा लगा आपको हरिश्चंद्रगढ़ और व्यू कैसे यहाँ के? आप अगर लोगों को आने के अगर रिकमेंड करेंगे तो मानसून में करेंगे या ऑफ सीजन में करेंगे? ट्रैक का मजा कैसा है, रास्ता कैसा है? आने के बाद पता चलेगा रास्ता कैसा है। जैसे कि गाइस अभी हम पहुंचे हरिश्चंद्रगढ़ के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश चल रही है। वहाँ पे आपको व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं और हरिश्चंद्रगढ़ के ऊपर आज तो फॉग है बिल्कुल। बहुत ही ऑसम ट्रैक का जो व्यू नज़ारे हमको देखने को मिले हरिश्चंद्रगढ़ पे, बहुत ऑसम। देख वो कम खड़ा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ।
जीरो देखिए गाइस, अभी अपन रिटर्न निकल रहे हैं, तो देखो तो अपनी गाड़ी कितनी नीचे कितने दूर है और हम लोग अभी यहाँ पे रुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू कितना खूबसूरत है। जैसे कि गाइस अपना पहला ट्रैक था जो कि बहुत मजा आया इस ट्रैक में, तो बहुत एडवेंचर से बहुत भरा हुआ था ये ट्रैक, बहुत सारे वाटरफॉल देखे मैंने, बहुत सारी एडवेंचर चीजें। लेकिन सितंबर अक्टूबर में हमने वहाँ पे लोकल से पूछा तो उन्होंने कहा कि सितंबर अक्टूबर में यहाँ से व्यू बहुत जबरदस्त देखने को मिलते हैं और कोकन कड़ा के उसके व्यू भी बहुत जबरदस्त देखने को मिलते हैं। तो अपन सितंबर अक्टूबर में देखेंगे, विजिट करेंगे फिर से ट्रैक, फिर करेंगे और फिर दिखाएंगे आपको व्यू यहाँ के किस तरीके के रहने वाले। गाइज, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी एडवेंचर भरे ब्लॉग के अंदर।